कुरान में कहा गया है कि जनाब अगर उर्दू नहीं आती है तो आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं गया वो पढ़ने जो मेरे को आती है टट्टी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। और मुझे उधर एक आदमी मिला जिसने मुझे बोला कि मैं अब सिनेमैटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मैं जोक्स पे कम ध्यान दे रहा हूँ। नाउ मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हूँ, तो मैं उस की बात है बिल्कुल भी ध्यान नहीं डाला क्योंकि पता नहीं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि मेरे को बिल्कुल भी अपने जोक्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक मेरे को अपने जोक्स उतने ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जितना व्लॉगर्स को अपने वीडियो के टाइटल्स। मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, आज का वीडियो उस बंदे के ऊपर है जो इंडिया के बाहर रह के अपनी फैंसी लाइफ लोगों को शो ऑफ करता है। आपको इस नाम से काफ़ी सारे अलग वेरियंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑब्वियसली सिंग इन कैनेडा, सिंग इन यूके, सिंग इन हॉलैंड, सिंग इन जर्मनी, या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट सिंग इन अब्रॉड। सिंग इन यूएसए लेकिन इन लोगों से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि वो इतना होलसम क्रिएटर है कि इवन द क्रिएटिविटी इन हिज वीडियोस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू होल्स। आई थिंक इसके लाइफ पंजाबी म्यूजिक वीडियो से काफ़ी इंस्पायर्ड है। ही लाइक्स कार्स, ही लाइक्स वाइट गर्ल्स, ही लाइक्स वाइट गर्ल्स ऑन कार्स, एंड ही लाइक्स गन्स, नॉट दोज गन्स। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सिंग इन यूएसए ने अपना मास्टर्स जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है। जॉर्जिया जिसको हम पीच स्टेट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ सबसे गांडू लोग मिलते हैं। Webster's dictionary defines a creator as a depression formed by an impact of a meteorite. और मुझे लगता है कि सिंग इन यूएसए भी एक टाइप का क्रिएटर है क्योंकि उसके व्लॉग से डिप्रेशन फॉर्म होता है। ऊबर में कुछ चीज़ें अच्छी गई बट एक आधी चीज़ें 18 प्लस चली गई। तो सबसे पहले हुआ क्या, जो मेरे साथ बैठी थी वो ऊबर शेयर ऊबर थी, साथ में जो लड़की बैठी थी शी सेड ओह यू गोइंग टू अटलांटा देन रिमेंबर टू गेट सम बूरीज लाइक इट्स अमेजिंग ओवर देयर। मैं तो सीधा साधा बच्चा, मैंने तो पूछ लिया उससे व्हाट आर बूरीज, क्या मतलब क्या 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 कह रहे हो। तो उसके बाद शी रिप्लाइड, उसने मीनिंग बताया एंड दोज आर अमेजिंग ओवर देयर, शी सेड बूरीज आर अमेजिंग ओवर देयर। ये है बूट और ये है बूटी और ये है जहाँ पे सिंग इन यूएसए का दिमाग। आप लोगों ने नहीं देखा। इंडिया में अक्सर काफी सारे लोग आयरनी आयरनी करते रहते हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि आयरनी होता क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आयरनी क्या होता है। तो मान लीजिए कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए और मैं गरीब आदमी के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई थोड़े पैसे मिलेंगे, वो मेरे को कहता है कि भाई मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो यह होती आयरनी। लगता है एप्पल मूव हो चुकी है किसी और बिल्डिंग में। लगता है आपको किसी एंगल से कि ये मॉल वही मॉल है जहाँ पे इस साल 4 बार शूटिंग हुई है इन 2020। एक्चुअली 7 बार शूटिंग हुई है। सो दिस वॉज द 7th शूटिंग हैपेंड इन लिनक्स मॉल एंड द 7th वन वॉज स्पेशली इन एप्पल स्टोर। पर मैंने फिर भी रिस्क लिया क्योंकि मुझे पता है कि जब आनी है तो आनी है, रोक थोड़ी सकते हो। एब्सोल्युटली आपको लाइफ में रिस्क लेना ही चाहिए क्योंकि यू ओनली हैव वन शॉट एट लाइफ। अनलेस यू आर द शूटर देन यू हैव अ लॉट ऑफ शॉट्स एट अ लॉट ऑफ लाइफ्स। Let's learn some Marathi from someone from Maharashtra, Mumbai. मैं तो पहले तो I'm a paratha, I'm Punjabi plus Maratha, so I'm paratha. Okay. You know, लोगों को funny लगता है कि दो words को combine करके एक बना दिया, हा हा हा। But I mean, मेरे को लगता है ये काफी time save करता है। I mean, I'm a rapper, I'm an artist, I'm a rap. मैं recently वो English का exam देने गया था, you know वो IELTS TOEFL type exam. You know, I like to think my dad is my hero, but I've got some daddy issues. Yeah, it's like my daddy losing his job, especially in this current economic climate, you know, with all the global warming and everything is... Clearly, you can see, clearly the problem here is the accent. Wo banda mera accent hi nahi pakad pa raha hai. So,
आई थॉट कि ठीक है एक्सेंट ट्रेनिंग लेने की थोड़ी ज़रूरत है एंड वॉट बेटर प्लेस टू गो दैन यूट्यूब. आई वॉज लाइक क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं ना. सो वॉट यू शुड डू इज जब भी आप कोई मूवी देख रहे हो एनी इंग्लिश मूवी वॉच इट विद सबटाइटल्स और आप रिपीट करो. फॉर एग्जाम्पल अभी एक डायलॉग आया द डायलॉग कुड बी इफ यू आर नथिंग विदाउट द सूट देन यू शुडंट हैव इट. If you're nothing without the suit, then you shouldn't have it. So, aap ye repeat karke dekho and then like check, verify. Next line mein aap revise karo and then check if you pronounce it correctly or not. What did you just say? What did you just say? What did you just? What did you just say? What's up, my nigga? And moving on, the next word was I don't give a shit. अब आम इंसान तो यही सोचेगा कि उसका पेट थोड़ा सा ख़राब है एंड ही इज़ नॉट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दैट मतलब हग नहीं पा रहा एक्सेट्रा. I don't give a shit. False. I do give a shit. I did give a shit. Michael! अबे फिर फट गया यार. क्या आप स्लिम फिट कपड़ों के ट्रेंड से परेशान हैं? हाँ. क्या आप अपनी शर्ट प्रेस वाले को देते हैं और वो उसको बेडशीट समझकर उसमें बाकी कपड़े बांधकर आपको वापस कर देता है? हाँ. तो हम लेके आ गए हैं थिक स्किन क्लोथिंग, मोटी आदमी की मोटी चमड़ी के लिए अच्छे कपड़े. अब मेरे हाथ उठाने से मेरे कपड़े नहीं फटते क्योंकि डायबिटीज से मेरे दोनों हाथ ही चले गए. तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में एक्चुअली चल क्या रहा है. शायद इस बंदे को फ्रेम में नहीं रहना था, विच इज़ वाई ही आस्क्ड सिंग इन यूएसए टू ब्लर हिज फेस. बट क्योंकि ये बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, शायद सिंग इन यूएसए का इसका शक्ल ट्रैक करने में मुश्किल हो रहा था एंड ही बेसिकली एंडेड अप ड्रॉइंग अटेंशन टू हिज फेस इवन मोर. हिज फैमिली आर नॉट एट ग्रेडर्स राइट, दे आर एडल्ट्स विद किड्स. but okay, if it's fine for 8th class student, why it cannot be fine for us? Is it? And that is 100% true. मैं जब 8th क्लास में था आई वॉज अट्रैक्टेड टू 8th ग्रेडर्स. सो वाई इज इट इनअप्रोप्रिएट फॉर मी सडनली टू बी अट्रैक्टेड टू 8th ग्रेडर्स नाउ? आई मीन शायद मैं हूँ एक पेडोमीटर. सी पर ये कैंपस काफ़ी सेफ है. आप पता नहीं यहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में? सो आई नो कि कैंपस पे रैंडमली एस्कॉर्ट सर्विस सुन के आप लोग शायद चौंक गए होंगे, बट लेट्स कीप वॉचिंग द वीडियो. तो जैसे यहाँ पे लाइक अगर रात में किसी को जाना है कैंपस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो 2 बजे के बाद काफ़ी अनसेफ हो जाता है सर कैंपस. तो लाइक आप एक नंबर होता है उस पर कॉल कर दो कि आई वॉन्ट टू गो टू दिस पार्ट ऑफ द कैंपस एंड आई फील अनसेफ. तो 2 पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिसर्स आपको उस जगह तक एस्कॉर्ट कर देंगे. तो इट्स वेरी सेफ. 2 things. नंबर 1, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पुलिस की जरूरत पड़ रही है तो हाउ इज इट सेफ? नंबर 2, दिस इज द वर्स्ट एस्कॉर्ट सर्विस आई हैव एवर हर्ड ऑफ. So the number one bad experience was when I started to live in on-campus housing and I had really good roommates, but one of the roommate used to smoke weed. So that is kind of drug. I don't know what it is. I think it's called marijuana. अगर आपको ये लगता है कि एक पंजाबी को ये नहीं पता होगा कि weed क्या होता है, तो please raise your hand. आपको लग रहा था ना कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा था, मैं सो के उठ रहा था. लाइफ में सोना इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो के उठना, क्योंकि अगर आप सो के नहीं उठेंगे तो आप मर जाएंगे. तो आप लोग सो के उठे हैं तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वरना मर गए. तो इसलिए मुझे सिंग न्यूज़ से काफ़ी पसंद है क्योंकि वो अपने वीडियो में आपको दिखाता रहता है कि वो सो के कैसे उठ रहा है. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सोया रह जाएगा, मतलब ही बी डेड. जैसे आंखों की डिब्बियां मिलनिया और मिलनिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई. जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे कोई आपके सोने का मजाक उड़ाए. दैट इज वेरी मीन, चाइल्डिश एंड अनफनी. आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई हंसने का मजाक उड़ाए? कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू,
इस जोक के वजह से ना ये वीडियो उड़ जाएगा। अब एक काम करो, आप लिख के ले लो। यू नो बीइंग अ क्रिएटर ऑनलाइन इज अ लॉट लाइक बीइंग अ मदर। यू मेक अ लॉट ऑफ बेबीज बट कोई आदमी आपको ये नहीं बोलता कि ओए देख तेरा बच्चा कितना बकसूरत दिख रहा है। सो यू कीप ऑन मेकिंग मोर अगली बेबीज बट अब टाइम आ गया कि उन क्रिएटर्स के सामने कोई आदमी आके खड़ा हो, क्योंकि अब इस चीज को और देर तक दबाने का वक्त नहीं है। दैट्स व्हाट शी सेड। बाईस में दो तीन बार आता है। यू नो आई लाइक टू थिंक माई डैड इज माई हीरो बट आई हैव गॉट सम डैडी इश्यूज, यू नो लाइक माई डैड लूजिंग हिज जॉब स्पेशली इन दिस करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट, यू नो विद द ग्लोबल वार्मिंग।